ये है मध्य प्रदेश और ये है राजस्थान। इनकी सीमा को टच करती है आगरा की ये बाह तहसील। बाह आगरा के 9 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। दशकों से बाह को जिला बनाने की बातें चल रही हैं। 1952 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लव पंत ने बाह की भौगोलिक और डाकुओं से प्रभावित स्थिति के आधार पर कहा था कि बाह को जिला बनाया जाना चाहिए। इसके बाद 1976 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने आर्यन आयोग का गठन किया, जिसमें बाह, ललितपुर, बदोही और गाजियाबाद को जिला बनाने का रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन बाह को छोड़ बाकी सब जिला बन गए। और तब से ही स्थानीय लोग बाह को भी जिला बनाने की लगातार मांग कर रहे हैं। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार भी इस पर विचार कर रही है। तो चलिए जानते हैं कि बाह को जिला बनाने के क्या कारण है। जिला मुख्यालय से बाह की दूरी 70 किलोमीटर है, जिस वजह से लोगों को किसी भी प्रशासनिक काम के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसी दूरी के कारण तहसील में अधिकारी कम आ पाते हैं और जिला बन जाने से अधिकारी यही रहेंगे। फरियादियों का समय बचेगा और उनका खर्च भी कम होगा। यहाँ सरकारी जमीन काफी है, ऐसे में यह उद्योगों के अनुकूल है। बाह आगरा के उद्योगों की नई शरण स्थली बनने की क्षमता रखता है। बाह की प्राकृतिक और सांस्कृतिक सुंदरता भी इसको जिला बनाने के कारणों में शुमार है। यहाँ का बटेश्वर क्षेत्र, यहाँ यमुना किनारे 101 शिव मंदिरों की अनूठी श्रृंखला है जो पर्यटकों को लुभा लेती है। बाह में चंबल के घाटों पर सर्दी में धूप सेकते घड़ियाल है, पक्षियों का बसेरा है। यमुना और चंबल नदियों से घिरा बाह अपनी प्राकृतिक खूबसूरती में बेजोड़ है। बाह पर सरकार की नजर गई तो प्रदेश को एक बड़ा पर्यटन केंद्र तो मिलेगा ही, साथ ही साथ ये प्रदेश सरकार की उपलब्धियों में भी नगीने जैसा होगा। नया जिला बनने पर बटेश्वर और शौरीपुर के अलावा कमतरी, कचपुरा और होलीपुरा पर्यटकों को आकर्षित करेंगी। बाह को जिला बनाने से क्षेत्र का विकास होगा और आवागमन के साधन भी सुलभ होंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत में नए जिले कैसे बनते हैं और जिले बनाने में केंद्र सरकार की क्या भूमिका होती है। नया जिला बनाना, मौजूदा जिला बदलना या पहले से जो जिले हैं उन्हें समाप्त कर देने की पावर राज्य सरकार के पास होती है। मुख्यमंत्री इसके सर्वे सर्वा होते हैं। इसके लिए दो नियम बनाए गए हैं। पहला नियम ये है कि एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से या राज्य विधानसभा में एक कानून पारित करके एक नया जिला बनाया जा सकता है। दूसरा नियम ये है कि राज्य केवल आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके कार्यकारी आदेश के जरिए कोई नया जिला बना सकते हैं। जहां तक नए जिले में केंद्र सरकार की भूमिका की बात है तो नए जिले बनाने में केंद्र सरकार की कोई भी भूमिका नहीं होती है। गृह मंत्रालय सिर्फ राज्य सरकार के रेलवे स्टेशन के नाम बदलने के मामले में ही शामिल होती है। आप किस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ।